निगम आयुक्त ने दीपक नगर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल व गवर्नमेंट हाई स्कूल रुआ बांधा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही स्कूल में बच्चों से सवाल पूछे, जिसका बच्चों ने बेबाकी से जवाब भी दिया। दुर्ग के दीपक नगर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं गवर्नमेंट हाई स्कूल रुआ बांधा का आयुक्त IAS लक्ष्मण तिवारी ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी कड़ी में उन्होंने बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान आयुक्त ने बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे। माध्यमिक कक्षाओं के निरीक्षण के दौरान जिस वक्त आयुक्त पहुंचे, उस समय गणित की कक्षाएं चल रही थी। उन्होंने छात्रों को गणित हल करने और छात्रों से संस्कृत में वाचन प्रदर्शन करवाया, जिसे छात्रों ने बेबाकी से प्रश्नों के जवाब के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। हम बता दें कि शाला में माध्यमिक विभाग एवं उच्च माध्यम विभाग की सभी कक्षाएं संचालित हो रही है, जिसमें 450 छात्र छात्राएं हैं एवं 23 शिक्षक उपस्थित मिले। इस दौरान आयुक्त ने उच्च माध्यमिक विभाग की कक्षाओं में व्यवसाय अध्ययन एवं अंग्रेजी की कक्षाओं का निरीक्षण किया, जिसमें आयुक्त ने छात्रों से उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को पूछा, जिसका छात्रों ने त्वरित जवाब भी दिया। वैसे बता दो क्या क्या राइट होनी चाहिए। इन जनरल बताइए सर, एकदम वर्ड टू वर्ड आप नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम है। वो क्या क्या होनी चाहिए बताओ। मान लो आप कंज्यूमर हो, आप कुछ खरीद रहे हो, आपके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। बाकी तीन बता दे, बाकी तीन किस और कोई ट्राई करेगा। बेसिक चीजें जैसे टर्म्स लेकर राइट कराता है वो, इसका कोई यूज नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, बेसिक चीजें सर। जैसे कि हम बोल दिया है सेल्स अपॉइंटेड परचेस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे दिन का अनुसार से पक्का भी रहना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।